हेलो दोस्तों, इस समय पर आपका आइडियल गोल क्या होना चाहिए, किस तरह से प्लान करना है, चलिए समझते हैं ऑल इंडिया रैंक 91 जतिन जैन जी से। तो जब मेरा सेकंड का प्री सी सेक्शन नहीं निकला था, तो आई हैव डिसाइडेड कि मेरे फ्रेंड्स जो मेरा पीयर ग्रुप का फ्रेंड था सबका प्री निकल गया, सिर्फ मेरा बस रुक गया था। मैंने डिसाइड किया था मैं मेंस भी उनके साथ ही पढ़ूंगा, उन लोग यूपीएससी में सेंटर में जाके मेंस लिख के आएंगे, अपने हॉस्टल रूम में बैठ के मेंस लिखूंगा। नाइस नाइस नाइस। तो आई थॉट दैट वे और प्रिपेयर्ड मैंने उसी वे में किया, और उसका फायदा ये मिला था मेरे को कि मेरे सारे नोट बन गए थे, सारे शॉर्ट नोट बन गए थे सेकंड अटेम्प्ट में, तो इस बार मेरे को बस उनको रिवाइज करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी थी, और उसी का बेनिफिट हुआ कि मेंस में काफी अच्छा स्कोर रहा इस बार मेरा। राइट। अब यहाँ पर हमने क्या सीखा, यहां पर एक बहुत बढ़िया चीज जो उन्होंने बोली कि इनका प्रीलिम्स नहीं भी हुआ फिर भी इन्होंने प्रिपेयर किया जैसे इन्हीं का मेंस इस साल था। एडवांटेज क्या है इसका, इस लॉजिकल अप्रोच का, कि इन 3 महीनों में ए इनके एब्सोल्युटली शॉर्ट नोट्स बन चुके हैं, राइट, बी क्योंकि इन्होंने घर बैठ के पेपर ऐसे लिखे जैसे ये फाइनल एग्जाम हॉल में लिख रहे थे, एक प्रॉपर एनालिसिस भी इनके पास आ गया कि क्या शॉर्टकमिंग्स रही होंगी, क्या इनके सही पॉइंट्स रहे और कैसे ये इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये सब हुआ बिल्कुल 3 मंथ्स में मेंस होने तक। तो ये एक बहुत ही आइडियल जो है आपकी गोल है इस समय पे, टू फिनिश द इंटायर सिलेबस मेन स्पेसिफिक जो है आपका इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अब एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, राइट। तो अब मान लीजिए एडवांटेज कैसे लेंगे हम, जब नेक्स्ट ईयर हमारा मेंस होगा, मान लीजिए अर्थक्वेक पे प्रिपेयर करना है, शॉर्ट नोट्स बने हुए, सिर्फ करंट अपडेट्स ऐड कर दीजिए। मान लीजिए हीट वेव्स पे क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट नोट्स बने हुए, आपको बस करंट अपडेट्स ऐड करनी है। तो सबसे बढ़िया तरीका है इस समय पे अपनी पढ़ाई करने का, शॉर्ट टर्म गोल है, राइट, अचीवेबल गोल है, मेहनत थोड़ी बढ़ जाएगी लेकिन रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब करने का क्या तरीका है, देखिए 2 सिनेरियोस बनते हैं, एक तो हमेशा आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, राइट। सेल्फ स्टडी की शुरुआत कैसे करेंगे, शुरुआती स्टेप इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्लीपी क्लासेस मंडे टू थर्सडे दिन में 12 बजे आपकी मेंस क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा है, राइट। तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर रोज देखिए, हर रोज क्वेश्चंस में आपको पर्सपेक्टिव मिलता है कि कैसे क्वेश्चंस में जो आपको उसको पढ़ के ब्रेक डाउन करना है, कैसे आंसर्स को लिखना है, क्या आप पॉइंटर्स लिख सकते हैं टू एनरिच योर आंसर्स, सो दैट आप एक बढ़िया आंसर राइटिंग की तरफ जाएं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी एक पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट है डेली आंसर राइटिंग की, यहां पे भी सर ने बहुत ज्यादा 50 से भी ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए हुए फ्री ऑफ कॉस्ट, और ऐसा नहीं कि बस स्ट्रक्चर बता दिए, पूरे पूरे आंसर आपसे डिटेल में विद लाइन ऑफ थॉट विद पॉइंट्स फॉर एनरिचमेंट सब कुछ डिस्कस किया है। तो आप जरूर इनको देखें और यहां से अपनी प्रिपरेशन शुरू करें, आप 10 एक दिन लगाएंगे यहां पे, तो आप देखेंगे बहुत से क्वेश्चन से आपको बहुत सारा कॉन्टेंट जो है पता लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस जो एक तरीका है कि आप जो है स्लीपी के बैचेस का पार्ट बन सकते हैं, और मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देती हूं कि हम कैसे कराते हैं बैचेस में, ज्योग्राफी की बात करते हैं। अब यहां पे हमारे पास रिसेंटली एक बैच है जहां पे मेरे पास 8 ही क्लासेस है मेंस की, ठीक है, बहुत ही मेन स्पेसिफिक बैच है ये, राइट, मेन्स बैच, राइट, कैसे। अब पहली थीम में फिजिकल ज्योग्राफी, अब आप देखिए हर एक थीम यहां कवर्ड है, पहला थीम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, 3 ही थ्योरीज है हमारी यहां पे, आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लो स्प्रेडिंग एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। आप देखिए एक क्वेश्चन ऑन अ सिंगल थ्योरी, दूसरा कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑल द थ्योरीज, सारी थ्योरीज विद द हेल्प ऑफ 2 क्वेश्चंस रिवाइज्ड। नेक्स्ट देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, एक थीम पे 5 डिफरेंट तरीके के सवाल, एब्सोल्युटली 5 थ्योरीज में जिस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं कवर्ड। अगेन अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस पे भी, कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ग्लोबल अकरेंसेस कैसे हैं, उन पे क्वेश्चन। अगेन जो मिसलेनियस पार्ट बच गया, टाइप्स ऑफ रॉक्स, अलाइनमेंट ऑफ माउंटेन रेंजेस, एब्सोल्युटली डिस्कस्ड इन 1 सिंगल क्लास, राइट। तो ऑलमोस्ट आपके डिफरेंट टॉपिक्स के अराउंड 15 क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस्ड है। तो इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट आपका डिफरेंट थीम्स में डिवाइडेड है, और थीम्स के बेसिस पे जो है अगले 3 महीने में आप एब्सोल्युटली सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर देंगे। अब क्या बैचेस अवेलेबल है, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाती हूं। सबसे पहले तो आप
GS 1, 2, 3, 4 इनके बैचेस में एनरोल कर सकते हो. बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव बैचेस हैं, राइट. आप एक एक सब्जेक्ट को लेके प्रिपेयर कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आप स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, राइट. अब ये स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, इसमें हर रोज आपकी क्लासेस होंगी थीम वाइज, प्लस आपको एक पूरी टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिलेगा, प्लस आपकी मास्टर क्लास भी होगी एथिक्स एंड एसे की, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिलेगा, राइट, लाइव आंसर राइटिंग बैच का. सो बेसिकली आइडियल सिनेरियो तो ये है, अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो अगले 3 महीने में बहुत ही होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी मेंस की. नहीं तो आप धीरे धीरे इन बैचेस का पार्ट भी बन सकते हैं. और जैसे मैंने हमेशा कहा, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप इन प्लेलिस्ट को देखिए, बहुत ही बढ़िया जो है आपकी पढ़ाई होगी. जो भी आपको बैचेस के बारे में जानना है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी लगे होंगे, आप उनसे भी कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं. और जब भी आपको कोई भी कोर्स लेने की कोशिश करें, एक कूपन कोड का आपको जगह आएगी, वहां पे आप मेरा नाम यूज करें, आपको जो कॉस्ट है उस पर्टिकुलर कोर्स का वो भी कुछ हद तक कम हो जाएगा. स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा, सही स्पेलिंग डालेंगे तो ही फी में जो है आपका कुछ प्राइस कम होगा. तो कोशिश यही करते हैं कि बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कोर्सेज आपके लिए लेके आए, ये भी एक तरीका है. तो एब्सोल्युटली योर कॉल, आई वुड हाईली रिकमेंड यू स्टार्ट विद दीज फ्री वीडियोस, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से जो है आप बहुत बढ़िया आंसर्स लिख सकते हैं. तो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड. ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करते रहेंगे ऐसे ही. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय.